दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, धोनी के अंदाज में किशन ने फुर्ती दिखाकर बल्लेबाज को दिखाई पवेलियन की राह। चीते की तरह किशन ने किया माइकल ब्रेसवेल को रन आउट, तो खुद महेंद्र सिंह धोनी ने दी है इस खिलाड़ी को शाबाशी। अपने होम ग्राउंड पर ईशान किशन के शानदार परफॉर्मेंस पर धोनी ने जो कुछ भी कहा है, उनकी बातें सुनकर आप भी ईशान किशन के बहुत बड़े फैन हो जाएंगे। तो क्या कुछ बताया धोनी ने उनके दिल जीत लेने वाले बयान का, पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी, ईशान किशन और राहुल में से सबसे बेहतरीन कीपर बल्लेबाज कौन है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले में ईशान किशन का रनआउट देख पूरा रांची दंग रह गया। दरअसल टीम इंडिया पूरी तरह से उन पर हावी थी, लेकिन कॉनवे ने टीम इंडिया पर दबाव बनाते हुए ताबड़तोड़ अर्धशतक ठोक दिया। हालांकि अर्शदीप सिंह ने आते ही अपने जाल में कॉनवे को फंसा लिया और टीम इंडिया ने राहत की सांसें ली, जिनके बाद बल्लेबाजी करने उतरे थे भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत माइकल ब्रेसवेल। हालांकि दोस्तों, दो गेंदों बाद ही डेनी मिचेल बड़ा शॉट खेलने में नाकामयाब हो जाते हैं, लेकिन वह रन चुराने से पीछे नहीं हटते और एक रन चुराने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन किशन के सामने उनकी चालाकी भरी पड़ गई। किशन ने बहुत जल्द अपनी दस्ताने को हटाया और गेंद को पकड़कर सीधे विकेटों पे दे मारा। जी हाँ, आपको बता दें, न्यूजीलैंड के डेंजर बल्लेबाज माइकल ब्रेसवेल ने स्ट्राइक पर आने के लिए बड़ी तेजी से दौड़ लगाई। ईशान किशन विकेट से काफी दूर थे, लेकिन उन्होंने गेंद को पकड़ा और ऐसा रन आउट किया जिसे देखकर सब तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। जी हाँ, एकदम सटीक निशाना लगाते हुए किशन ने रॉकेट थ्रो किया जिसे देखकर महेंद्र सिंह धोनी भी दंग रह गए। दोस्तों, इसकी बदौलत टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड की आधी बल्लेबाजी को समेट लिया। पूरा स्टेडियम तो खुशी से झूम रहा था, जिस पर महेंद्र सिंह धोनी भी बेहद हैरान थे, लेकिन अब धोनी ने खुद ईशान की तारीफ करते हुए उन्हें सराहा है। जी हाँ, धोनी ने बताया कि वह रनआउट कमाल का था, मुझे याद है जब किशन ने वो किया तो पूरा स्टेडियम मुझे चीयर कर रहा था, लेकिन उसके लिए किशन की तारीफ होनी चाहिए, उसने वहां दिमाग का इस्तेमाल किया और दस्ताने को उतार कर रनआउट किया है, जो सबसे बड़ी बात है। उसकी वजह से टीम इंडिया इस मैच में शिकंजा कसने में कामयाब हो पाई थी। उसके पास बल्लेबाजी के साथ विकेट कीपिंग की भी काफिलियत कमाल की है, उसने एक बार फिर दिखा दिया। बहुत खुशी होती है जब टीम इंडिया के उभरते हुए सितारे ऐसा कमाल का प्रदर्शन करते हैं, उनकी इसके लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दोस्तों, धोनी के इस बयान के बाद आपको क्या लगता है, ईशान किशन को टीम इंडिया में बतौर विकेट कीपर परमानेंट T20 और वनडे के साथ टेस्ट में भी शामिल किया जाना चाहिए या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।